तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुनील एंड यू आर वाचिंग फूड एंड टूर। तो गाइस, आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार डिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चॉपिंग से। सबसे पहले हम प्याज लेंगे, दो तीन प्याज लेंगे, उनको चॉप करेंगे अच्छे से। देखिए जैसे मैं चॉप कर रहा हूँ, आप ऐसे चॉप कर सकते हैं अपने प्याज को। इसके बाद हम पनीर लेंगे थोड़ा सा। ये मैंने जो पनीर लिया है ये सोया पनीर है, आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो सकता है। तो आप इसे अच्छे से अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें छोटे छोटे क्यूब करके काटा हुआ है, आप इस तरीके से काट सकते हैं। जब आप पीस थोड़े छोटे रखेंगे तो इन पर नमक, हल्दी, मिर्च वगैरह अच्छे से लगती है, तो आप इनको इस तरीके से भी काट सकते हैं। अब देखिए पालक मैंने चढ़ा के रखा है कुकर पर, तो इसको दो सीटी आने तक मैंने पकाया है पालक को। आप भी देख लीजिए, आप ऐसे पालक को पका सकते हैं। इस तरीके से पालक की कड़वाहट दूर हो जाती है। तो देखिए मैं पालक की प्योरी बना दी है अब। तो ये है मेरे बेसिक इंग्रेडिएंट जिनको मैं यूज़ करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले है टमाटर, तीन टमाटर और दो प्याज, मेथी, जीरा, सूखा धनिया, हल्दी पाउडर, देगी मिर्च और साथ में नमक। तो ये है मेरे बेसिक इंग्रेडिएंट जिनको यूज़ करके मैं अपनी पूरी डिश को तैयार करने वाला हूँ। एक बार देख लीजिए आप खुद। अगर आपने भी सोया पनीर यूज़ करना है तो आप इसको पहले उबाल लीजिए थोड़ा सा, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। आपको बताते हैं पूरे तरीके से। कढ़ाई ले लीजिए एक, उसमें मैंने लिया है देसी बटर और साथ में थोड़ा सा प्योर घी। आप चाहें तो सिंपल बटर में भी पका सकते हैं या फिर सिंपल घी में, मैंने दोनों यूज़ किए हैं। तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अब थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे जो अच्छे से हमने चॉप करा हुआ था। इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे हम। तो चलिए प्याज को तब तक हमने फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन कलर में नहीं हो जाता। जब ब्राउन कलर आ जाएगा इसमें तो उसके बाद हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट अपने डालेंगे। तो देखिए जैसे कि अब प्याज ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। आप एक या दो चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जिंजर और गार्लिक के पेस्ट को अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए इसके साथ। देखिए अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। अब टोमेटो प्योरी ऐड करेंगे इसमें। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम अपने जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूज़ करेंगे, जैसे कि देगी मिर्च, हल्दी पाउडर और साथ में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ये जो जायका बनके रेडी हुआ है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये तेल छोड़ना स्टार्ट नहीं कर देता। तो देखिए अब इसमें ऐड करेंगे हम ग्राइंड किया हुआ पालक। तो पालक को हमने 10 से 15 मिनट तक पकाना है हमने। अब इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें इसके साथ। गैस थोड़ी हमने कम रखनी है और अच्छे से पकने देना पालक को। ये देखिए तो पालक ऑलमोस्ट हमारा पक चुका है। ये देखिए आप, बस दो से तीन मिनट इसको और पकाना है हमने। बस करछी चलाते रहें और गैस कम रखें, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए कितना सुंदर टेक्सचर और कलर आया हुआ है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है और अरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है इसका। तो अब पालक पक चुका है, अब इसमें पनीर के क्यूब ऐड करेंगे हम। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 5 से 10 मिनट तक और पकाना है और आपका पालक पनीर रेडी हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में और कितना अच्छा अरोमा आ रहा है इसका, टेक्सचर बहुत अच्छा है देखिए। करछी चलाते रहें आप। तो फाइनली पालक पनीर पक के रेडी हो चुका है, देखिए। तो इसको अब सर्व कर लेते हैं एक बार। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। धनिया से गार्निश थोड़ा सा कर लेंगे। तो पालक हमारा
सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें।